पीपल, मेरा नाम है परम और आप देख रहे पाठ बिला गिटार लेसन। आज का लेसन होने वाला है तीजी सीट संग बाय काका। इसमें मैं आपको इसका इंट्रो पार्ट, गिटार कॉर्ड और स्ट्रमिंग पैटर्न बताने वाला। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सॉन्ग को प्ले करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बजाना मत भूलिएगा ताकि मेरे नए वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस सॉन्ग की कॉर्ड्स देख लेते हैं। मैं ओपन कॉर्ड्स भी बताऊंगा और बार कॉर्ड्स भी बताऊंगा। तो सबसे पहले ओपन कॉर्ड्स बता देता हूं। डी माइनर, सेकंड कॉर्ड सी मेजर, थर्ड कॉर्ड ए शार्प, ए शार्प ऐसे पकड़ सकते हैं, ए शार्प आप बार पकड़ सकते हैं। अब बार कॉर्ड देख लीजिए, डी माइनर, सी मेजर एंड ए शार्प, तीन कॉर्ड में गाना प्ले हो जाएगा। अब इसका स्ट्रमिंग पैटर्न देखिए, स्ट्रमिंग पैटर्न कैसे है। डाउन डाउन अप अप डाउन 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 डाउन। अब कैसे है, पहले डाउन डाउन डी माइनर वगैरह, फिर सी पे अप अप डाउन डाउन, फिर ए शार्प डाउन डाउन अप अप डाउन 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 अप अप डाउन 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 अप अप डाउन डाउन। एक और बार बता देता हूँ स्लो मोशन में। डाउन डाउन, फिर सी मेजर पे अप अप डाउन डाउन, फिर ए शार्प पे डाउन डाउन अप अप डाउन डाउन। सी मेजर पे आपने हर बार अप अप डाउन डाउन करना है। डाउन डाउन अप अप डाउन 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 अप अप डाउन डाउन। होप सो गाइस आपको कॉर्ड्स और स्ट्रमिंग पैटर्न समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इंट्रो की तरफ। इंट्रो पार्ट भी इजी है। इंट्रो पार्ट कैसे प्ले करना है आपने, इंट्रो पार्ट आपका बार कॉर्ड से ही प्ले होगा। कैसे, डी माइनर पकड़ के। ओके, कैसे किया मैंने, पहले क्या करना है आपने 5 4 3 5 4 3 प्ले करके आपने सेकंड स्ट्रिंग को प्ले करना है। ओके, सेकंड स्ट्रिंग को प्ले करना है मिडिल वाली फिंगर हटा के, जो आपने डी माइनर पे पकड़ रखी थी, सेकंड यहां पे पकड़ रखी थी सेकंड स्ट्रिंग को मिडिल फिंगर से। क्या करना है आपने 5 4 5 4 3, ये ओपन रहेगी। ओके, प्ले करके हैमर करना है। फाइव फोर थ्री टू हैमर, ओके। एक और बार फिर से देख लीजिए, 5 4 3 2 ओपन देन हैमर। फिर आपने सी मेजर पे आना है, सी मेजर पे आपने करना है 5 4 3 2, ओके 5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3 2। फिर सेकंड टाइम प्ले करना है सी पे ही 5 4 3 2 1 2 3। ओके 5 4 3 2 1 2। एक और बार शुरू से बता देता हूं, 3rd टाइम पे आपने 5 4 5 4 3 2 1 2 3, देन उसके बाद आपने ए शार्प पे आना है। ए शार्प पे आपने करना है 5 4 3 2 5 4 3 2। एक बार आपको शुरू से प्ले करके बता देता हूं मैं आपको, पहले डी माइनर से। ओके
ओके होप सो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब मैं सॉन्ग के साथ प्ले करूंगा, कॉर्ड्स ऊपर आ जाएंगे, आप कॉर्ड्स ऊपर से देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं।